इस वीडियो में आपको एक कहानी बताएंगे जिसमें है प्यासा कौवा। बहुत ही अच्छा सा कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। वह कौए को लगने लगा कि उसकी मौत नज़दीक है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ा। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कुएं की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कुएं ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वो प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कुएं की नज़र घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वह आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफ़ी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कुएं ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको क्या सीख मिली, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि अगर हम मेहनत जी जान से करें तो सब कुछ संभव किया जा सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए।